जमुई हुआ छठ में, घर घर में गूंज रहा है छठ गीत। तीसरे दिन पर्वैती ने डूबते सूर्य को अर्घ अर्पित किया। घाटों पर उमड़ा भक्तों का सैलाब। उगते सूर्य को अर्घ अर्पण के बाद गुरुवार को होगा बड़का पर्व का निस्तार। जिलाधिकारी अस्ताचलगामी अर्घ को लेकर सजग और सचेत दिखे। जमुई में लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर बुधवार को व्रतधारियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को नदी और तालाब में खड़े होकर प्रथम अर्घ अर्पित किया। जिला समेत पूरे देश में सोमवार को छठ महापर्व की शुरुआत हुई थी। किऊल नदी के तट पर अवस्थित खैरमा घाट, सदगमा घाट, बिहारी घाट, हनुमान घाट, त्रिपुरारी सिंह घाट समेत अन्य घाटों पर हजारों महिला और पुरुष व्रतधारियों ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ अर्पित किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने पवित्र किऊल नदी में स्नान भी किया। छठ को लेकर जमुई शहर समेत संपूर्ण जिले के घर घर में छठ के गीत गूंजने लगे हैं। उधर जिला प्रशासन ने किऊल नदी के घाटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। छठ घाटों पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। छठ को लेकर नदी के विभिन्न घाटों पर व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है। घाटों पर और आने जाने के रास्ते पर तोरण द्वार, रंग बिरंगे LED बल्बों से आकर्षक सजावट के साथ साथ रोशनी की ठोस व्यवस्था की गई है। व्रतियों की सुविधाओं का विशेष ख्याल रखा गया है। जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह, SP प्रमोद कुमार मंडल, DDC आरिफ अहसन, SDM अभय कुमार तिवारी, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार, नगर थानाध्यक्ष चंदन कुमार समेत कई अधिकारी महापर्व को सौहार्द के वातावरण में संपन्न कराने में जुटे हैं। DM श्री सिंह के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ अर्पण के दरमियान सजग और सचेत दिखे। सभी नामित अधिकारी अर्घ के आरंभ से लेकर समापन तक भ्रमणशील रहने के साथ कंट्रोल रूम से जुड़े रहे और सूचनाओं का आदान प्रदान भी करते रहे। जिलाधिकारी श्री सिंह की सूझबूझ और कर्मठता के कारण बड़का पर्व से संबंधित प्रथम अर्घ उमंग और उत्साह के वातावरण में संपन्न हुआ। अब आज गुरुवार की सुबह को उगते सूर्य को अर्पित किए जाने के बाद लोक आस्था के इस महापर्व का समापन होगा। पर्व समाप्ति के उपरांत छठ मैया के लिए बनाए गए ठेकुए और प्रसाद का वितरण लोगों के बीच किया जाएगा।